Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my YouTube family. We thank you for the help of this song. And I'm going to support this Zaman Mirakhi. Amin. And I'm going to share with you the doctor's syrup recipe. जो बहुत ही इजी रेसिपी है, बाजार से महंगा लेने की बजाय आप घर में भी बना सकते हैं। उसके लिए मैंने 3 चम्मच कोको पाउडर ले लिया था, जो बाजार से आपको इजीली मिल जाता है, और 3 चम्मच मैंने शुगर ले ली थी जो पिसी हुई होती है, और 1 चम्मच जो मैंने लिया था वो था मक्की आटा जो होता नहीं आपके घर अमूमन होता होगा वो, और इसको मैंने थोड़ा थोड़ा आके दूध में मिक्स कर लिया था। दूध तकरीबन आपके पास आधा कप होना चाहिए, और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको पैन में ऐड करूँगी और दरमियानी आंच पे इसको कुक करते जाएंगे हम। 3 से 4 मिनट में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और आपका चॉकलेट सिरप रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं अपने केक में, अपनी ब्राउनी में, किसी भी चीज में आप ऐड कर सकते हैं बेकरी चीज से। और बेहतर है कि बाजार से महंगा लेने की बजाय आप इसको घर में ट्राई करें और इजीली इसको पका सकते हैं आप। ये देखिए मेरा माशाल्लाह से रेडी होना शुरू हो गया, और इसकी अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, और ठंडा होने पर मैं इसको जो मैंने केक बनाया था, केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, उसके ऊपर मैं ऐड करके आपको दिखाती हूँ। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज। आपकी तरफ से ये हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ये देखिए अब मेरा सिरप रेडी हो गया, और मैं इसको अब अप्लाई करूँगी अपने केक पे, जो मैंने छोटा सा केक बनाया था अपने बच्चों के लिए। मैंने इन्हें मैं अपने केक पे डाल रही हूँ, और आप इसके अच्छे से इसको डाल सकते हैं। और ये सिरप बहुत ही नेचुरल सा बनता है, बिल्कुल जो आपने बाजार में अक्सर केक खाए होते हैं उनके ऊपर चॉकलेट लगी होती है, सेम वैसा ही टेस्ट होता है, कोई फर्क नहीं इसमें। आप इसको जरूर ट्राई करें, अपने दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ सपोर्ट किया करें। अल्लाह हाफिज़।